बात अब अम्बाला की, जहां भारी बारिश के चलते अम्बाला के कई इलाके जलमग्न हो गए। पानी भरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन और सरकार की अनदेखी के चलते वो नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश के चलते अम्बाला के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। पानी भरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर अम्बाला के पौष इलाके जैसे सेक्टर 8, 9 और 10 एक बार फिर नदियों में तब्दील हो गए हैं। जहां एक नजर जाए तो सड़कें नदियों में तब्दील होती हुई दिखाई दी है। सड़कों और गलियों में घुटने से ऊपर तक का पानी भर गया है। भारी बारिश और जल भराव के चलते सड़कें और बाजार सुनसान दिखाई दिए हैं। लोग इस दौरान घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूं कि 10 साल हो गई सरकार को बने, लेकिन आज तक अम्बाला के डिस्पोजल के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई। पिछले साल ही अम्बाला की जो जनता है उन्होंने बहुत दुख झेला है, चाहे वो पैसे का मामला रहा हो, लोगों का फर्नीचर खराब हुआ और भी बहुत तरह तरह के नुकसान हुए, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद अभी लगभग एक सप्ताह पहले बारिश हुई थी, उस बारिश के अंदर भी प्रशासन को चेताया गया था कि आप संज्ञान लेकर जो है पानी की निकासी करने का काम करें, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें पहली बार दिखाई दे रही हैं। बीते कई सालों से अम्बाला में जरा सी बरसात सड़कों को नदियों में तब्दील कर देती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस तरह की परेशानी हर बारिश के मौसम में सामने आती है। जल भराव की स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है कि लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रशासन आज तक बरसाती पानी की निकासी का कोई पुख्ता प्रबंध नहीं कर पाया और इस बार भी हर बार की तरह बरसात के बाद प्रशासन के सारे दावे फेल होते हुए दिखाई पड़े हैं। तिब्बत का बहुत बुरा हाल है जी, लोगों के आने जाने की बड़ी दिक्कत है। अब इतना पानी खड़ा हो गया, 9 सेक्टर का हाल है जी। हम पब्लिक कहाँ से निकले, कहाँ से, जाम लगे पड़े हैं, ट्रैफिक, लोगों के मोटरसाइकिल बंद हो रहे हैं जी। जब जब बारिश आती है ऐसी मुसीबत आती है, बहुत मुसीबत आती है, बहुत मुसीबत, लोग चल ही नहीं पाते। ये जहाँ निकलना होता है, ये हाल देख लो भी, 3-3 फुट पानी खड़ा हो गया है सड़क के ऊपर जी। बच्चे नहा रहे इसलिए भी है कि गर्मी वैसे थी, अब इनको भी थोड़ी बहुत राहत मिल गई, अभी पानी गंदे पानी में नहा रहे बेचारे। जल भराव की इस परेशानी से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तस्वीरें सब कुछ साफ साफ बयां कर रही हैं। सेक्टर के लोगों ने निराशा जताते हुए कहा कि वो प्रशासन और सरकार के अनदेखी के चलते नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इन लोगों की तकलीफ को कब तक दूर कर पाती है। अम्बाला से टोटल न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।